अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली द्वारा खाद विक्रेताओं को पंजीकरण व लाइसेंस के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि मंडल की मांग पर विभाग द्वारा 30 जनवरी को नवीन गल्ला मंडी में व्यापारियों की सुविधा के लिए पंजीकरण एवं लाइसेंस आवेदन शिविर लगाया गया था, जिसमें लगभग 250 खाद व्यापारियों के आवेदन आए थे। उन सभी को श्री गांधी धर्मशाला रेलवे स्टेशन में वितरित किए गए। प्रदेश मंत्री सोनू वर्मा, जिला प्रभारी संदीप जैन ने बताया कि हमारा संगठन लगातार व्यापारियों के हित में कार्यरत है, साथ ही साथ जिला प्रशासन से मांग है कि त्योहारी सीजन में खाद विक्रेताओं को परेशान न किया जाए। सैंपल लेते वक्त सिर्फ विभाग के चीफ के अतिरिक्त एक या दो कर्मचारी ही प्रतिष्ठान में जाएं। प्रशासन की प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में व्यापारियों को पहले से ही जानकारी उपलब्ध करा दें। जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि समय समय पर संबंधित विभागों के शिविर व कार्यशाला मंडल द्वारा आयोजित की जाती है। इस मौके पर जिला युवा अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा, दिग्विजय सिंह, आर्यन संरक्षक महेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित रहे हैं। अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। 30 जनवरी को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल द्वारा खाद विभाग का एक शिविर नवीन गल्ला मंडी में लगाया गया था, जिसमें करीब 250 खाद विक्रेताओं ने अपने आवेदन किए थे। उनके लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र आज गांधी धर्मशाला में मंडल द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। मंडल हमेशा व्यापारियों के हित में लगातार कार्य कर रहा है और करता रहेगा।